देखिए, ये तो पहले दिन से, यानी जब से ये सांसद बने, फिर उसके बाद मंत्री बने 2014 से, हम लोग लगातार देख रहे हैं कि हमेशा उलझुलूल बातें करते हैं और सांप्रदायिक बातें करते रहे हैं, लोगों को भड़काने वाली बात करते रहे हैं, एक समुदाय को के ऊपर हमेशा आक्रामक रहे हैं। तो अगर ये काम जो नड्डा जी ने आज किया है, अगर शुरू में ही किया होता तो शायद इतने दिनों तक के देश को जो उनकी उलझुलूल बातों को झेलना पड़ा उससे देश बच जाता। तो चलिए, देर से ही सही, नड्डा जी को, भारतीय जनता पार्टी को इस बात का ध्यान आया। लेकिन ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, गिरिराज जी जैसे कई नेता हैं, कई सांसद हैं, कई मंत्री हैं जो इस तरह की हमेशा उलझुलूल बातें करते हैं। तो क्या नड्डा जी सबके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? सर, वहीं पे अगर हम बात करें, रामलीला मैदान में बड़ा फंक्शन है, वहीं पे आप पार्टी ने दिल्ली के जो टीचर्स हैं उनको इनवाइट किया है, वहीं पे बीजेपी पार्टी को इस चीज़ से प्रॉब्लम है, वो कह रही है कि टीचर्स को क्यों इस चीज़ में इनवाइट किया जा रहा है, तो कैसे देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, बीजेपी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण है और मुख्यमंत्री या आप पार्टी किसी को भी इनवाइट कर सकती है, आना ना नहीं आना ये उन पर निर्भर करता है, लेकिन इनविटेशन तो किसी को भी दिया जा सकता है, यहाँ तक कि विपक्ष को भी दिया जाता है, प्रधानमंत्री को भी इनविटेशन किया है जैसा मैंने अखबारों में पढ़ा है, तो फिर इसमें आपत्ति किस बात की है? सर, वहीं पे हम बात करें तो बीदर के ऊपर सिद्धरमैया आज प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहीं पे उनको डिटेन कर दिया गया, तो कैसे देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी तो अंग्रेज़ों से भी दो कदम आगे बढ़ गई है। सेडिशन का केस, देशद्रोह का केस बनाने में अभी उनका जवाब नहीं है। कोई भी भारतीय जनता पार्टी के नीतियों के खिलाफ अगर कोई आवाज़ उठाता है तो वो देशद्रोह हो जाता है। अब जो जो सीतारमैया जी ने वहाँ प्रोटेस्ट किया, वो इसीलिए किया कि वहाँ जो टीचर्स और महिलाओं के ऊपर सेडिशन का केस लगा दिया क्योंकि बच्चों ने ड्रामा किया था, तो ये भी इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो ये मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ये ब्रिटिश राज की तरफ उसके जो उनका जो तरीका था हुकूमत करने का, उसी तरह से ये भारतीय जनता पार्टी अपने राज्यों में जहाँ जहाँ उनकी सरकार है उसी पैटर्न पर चल रही है। सर, वहीं पे मेरा आखिरी सवाल है, आरबीआई के गवर्नर कांत दास ने एक बयान दिया, कहा है कि वी हैव गिवन अ ग्रोथ प्रोजेक्शन ऑफ 6% फॉर द नेक्स्ट ईयर व्हिच इज इन लाइन विद इकोनॉमिक सर्वे प्रोजेक्शन, कैसे देखते हैं इस चीज को सर? देखिए, आरबीआई के गवर्नर साहब के तो नौकरी का सवाल है, इसलिए वो जो भी बोलेंगे वो सरकार के मुताबिक बोलेंगे, सरकार जो चाहती है प्रोजेक्शन उसी के हिसाब से वो बोलेंगे। लेकिन जो अर्थशास्त्री हैं, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल के हों या राष्ट्र के हों, उनका जो प्रोजेक्शन है या उन्होंने जो बातों को लिखा है, कहा है, उससे तो नहीं लगता है कि 6% विकास दर जाएगा।